हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज का नाम पाली, एंड वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग का प्रोविजन 11 और फैंटेसी 11। क्या है ये, कल है मैच, आने वाले मैच जो खेला जाएगा वो है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। तो क्या रह सकती है प्रोबेबल 11 और क्या रह सकती है फैंटेसी 11, ये हम बात करेंगे इस सेगमेंट में। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सौम्य। और हाँ, बिल्कुल, एक वो फैंटेसी 11 का वो होता है ना, खुद ही एक कप्तान वाली फीलिंग आनी शुरू होती है कि प्लेइंग 11 क्या रखे, और हमारे पास फुल ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है क्योंकि हमारे पास दो टीमें हैं जिनमें से हमें 11 चुननी है। तो वो एक वो थिंकिंग कैप हम भी सर पे डाल के, बड़े इंटरेस्ट, जैसे कि आपने कहा, एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये गेम का कि आप बैठ के डिस्कस करके आपस में कि यार इस प्लेयर को रखे, उसको रखे, नहीं वो फॉर्म में नहीं है उसको निकाल दे। तो बड़ा मजा आता है सौम्य, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फैंटेसी प्लेइंग 11। स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 से। क्या रह सकती है, कौन सी 11 रह सकते हैं, कौन से प्लेयर हो सकते हैं? देखो, मेरे को लगता है मोइन बेन स्टोक्स को खैर अभी भी अनअवेलेबल है क्योंकि जो इनकी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स से आया था, मोइन अली ने अपना पिछला मैच नहीं खेला था, वो अब फिट है फॉर अवेलेबिलिटी। तो जो कि मुझे लग रहा है वो होगी गायकवाड और डेविन कॉनवे ओपन करेंगे, जिनके रहने जिस तरीके से पिछले मैच में खेले थे तो मुझे लगता है अब तो ड्रॉप का सवाल भी उठता है। जिनके रहने खेलेंगे ये मैच जरूर, मेरे हिसाब से मोइन अली वापस आएंगे, जडेजा होंगे, शिवम दुबे होंगे, मिचेल सैंटनर होंगे, मगाला होंगे। पिछले मैच में हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए थे लेकिन धोनी ऐसे प्लेयर है जो बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को। एमएस धोनी तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट नेम, एमएस धोनी तो होंगे ही होंगे, अंग्रेकर होंगे और देश पांडे होंगे। देश पांडे ने बहुत अच्छा स्पेल डाला था पिछले मैच में वांखड़े में मुंबई के खिलाफ। तो ये मेरे को लगता है चेन्नई की प्रोबेबल 11 एज ऑफ नाउ अभी। लेकिन इसमें एक चेंज ये होगा कि एमएस इतना नीचे नहीं आएंगे, he'll bat ahead of at least Mitchell Sandler और मक्कला। तो मैं एमएस किस पोजीशन पे आएंगे ये सबसे बड़ी डिबेट होती है। अभी मुंबई चेन्नई में वांखड़े में था अभी दो तीन दिन पहले जब एल क्लासिको आईपीएल का चल रहा था, और हर विकेट के बाद जो पूरा क्राउड, इवन एमआई के फैंस चिल्ला रहे थे वी वांट धोनी, वी वांट, तो सबको ये था धोनी खुद को ऊपर प्रमोट करके एक बार आ जाए ऑडियंस के लिए आ जाए। तो वो हमेशा डिबेट रहती है कि एमएस को और ऊपर आना चाहिए ताकि उतने ही फैंस को देखने को मिले। सैडनर और मगाला से तो ऊपर ही है, राजस्थान रॉयल्स इसकी क्या 11 रह सकती है? वेल, ये इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, राजस्थान की जो टीम है वो यशस्वी जायसवाल जो उनके ओपनर है, साथ में बटलर जो मतलब सबसे खतरनाक प्लेयर मुझे राजस्थान के लगते हैं, फॉलोड बाय संजू सैमसन, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, आर अश्विन, टीसी जुरेल, ट्रेंट बोल्ट, चाहल और संदीप शर्मा। मुझे बोल्ट और चाहल का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। बोल्ट हालांकि अभी उस फॉर्म में खेल नहीं है लेकिन चाहल एज एन आरसीबी फैन मुझे हमेशा राजस्थान में चार बोलते हैं दुख होता है, लेकिन चाहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे तो पार्टिकल बोलते हुए भी दुख होता था। पार्टिकल का तो चलो वो दुख तो अलग है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा राजस्थान को क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप इस इतने टैलेंटेड प्लेयर को अगर आप ऐसे इजीली जाने देंगे तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, मे बी कुछ और रीजन हो, कुछ हो। पार्टिकल ऐसा प्लेयर है आप इतनी इजीली उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, वो फ्यूचर है वो आईपीएल का भी और इवेंचुअली इंडियन क्रिकेट का। फॉर मी बिल्कुल नहीं, बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है बट आई जस्ट फील कि उनके जो जो पोजीशन है, बैटिंग पोजीशन है ना, वो थोड़ा मैटर ऑफ डिबेट बन गई है। ओपन करते हैं जनरली और नीचे नहीं खेल पा रहे, तीन या चार नंबर पे वो फिट इन नहीं कर पा रहे जहाँ तक है, तो प्रॉब्ली इसलिए अभी उनको बाहर बिठाना पड़ रहा है। खैर, बिल्कुल आपने सही कहा, फ्यूचर तो है वो आईपीएल के भी, इंडियन क्रिकेट के भी, मेरे हिसाब से मैं भी बहुत हाईली रेट करता हूँ उनको इस एट द हाईएस्ट लेवल। तो एंड मूविंग ऑन, सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है हमारा इस सेगमेंट का वो है फैंटेसी 11। तो कौन से बैटर्स हो सकते हैं पहले वो बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ सौम्य भाई, हम दोनों डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ एक तो गायकवाड से, मैं स्टार्ट करूँगा गायकवाड और बटलर, तो ऐसे ओपनर हालांकि विकेट कीपर है बटलर। तो बैटर्स में अगर हम देखें तो गायकवाड से स्टार्ट करेंगे, जिस फॉर्म में वो रहे हैं, जिस तरीके से वो रन खड़े कर रहे हैं, पिछले मैच में हमने देखा उन्होंने बड़ी संभली हुई पारी खेली, उन्होंने देखा कि अजिंक्य रहाणे ने चार्ज ले लिया है तो उन्होंने खुद को बैक सीट पे रखकर 100 के स्ट्राइक रेट के राउंड खेला, उनको स्ट्राइक देते रहे ताकि वो अपना काम करके टोटल के पास टीम को ले जाए। तो गायकवाड मेरे लिए रहेंगे फॉलोड बाय अजिंक्य रहाणे, जिस फॉर्म में हालांकि किसी आईपीएल की फैंटेसी में आप अजिंक्य रहाणे पिछले मैच से पहले कभी नहीं रखते क्योंकि वो एक तो प्लेइंग 11 में ही नहीं होते थे, पर होते भी थे तो आप
आप उनपे इतना बैंक नहीं करते थे कि वो इतने रन मारेंगे और आपको पॉइंट्स लेके जाएंगे, पर जो इनिंग्स उन्होंने पिछले मैच में खेली है मुझे लग रहा है वो मोमेंटम मैं पोस्ट मैच में था जब अजिंक्य रहाणे आए थे, जिस तरीके से वो आंसर दे रहे थे, जिस तरीके से वो श्योर थे अपनी गेम के बारे में, वो कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है वो उनको आने वाले कुछ इनिंग्स में और हेल्प करेगी। हालांकि कहा जाता है कि रहाणे बहुत इनिंग्स में एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं आईपीएल में, बहुत ही इनिंग्स में एक अच्छी इनिंग्स, पर मुझे अंदर से फील आ रहा है कि शायद इस आईपीएल में उनकी 3-4 और अच्छी इनिंग्स मिनिमम 50 के राउंड देखने को मिलेगी, क्विक इनिंग्स भी हो सकती है। तो रहाणे मेरे लिए रहेंगे, यशस्वी जायसवाल ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, यशस्वी जायसवाल स्टार्ट कभी भी स्टार्ट अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, और ओपनर्स हमेशा आपके पास होने चाहिए, ओपनर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत बॉलिंग खेलने को मिलती है तो आपको उतने ही वो पॉइंट्स देके जाएंगे। और उसके बाद संजू सैमसन, अब ये है एक थोड़े कम बैटर है, मैं चाहता हूँ उधर उधर से राइडू तो नहीं खेल रहे अब तो कॉन्वे रख सकते थे, पर क्योंकि इधर हमने ओपनर रख लिया है तो दो तरफ के मेरी टीम में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए डाउन टू अदर हेटमायर आपको क्विक रन देके जा सकते हैं, तो मुझे उधर के पॉइंट्स ये मेरे पैटर्न्स हैं, गायकवाड़, रहाणे, जायसवाल, हेटमायर और संजू सैमसन अगर आप कीपर में। कमिंग टू द बॉलर्स आई गेस युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, यूजी विकेट टेकिंग बॉलर है, संदीप शर्मा तो आईपीएल के तो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो और वो संदीप शर्मा काइंड ऑफ स्पेल अभी आने वाला है जहाँ तक मेरे को एक गट फीलिंग है, तो बिल्कुल ये दो प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपकी बॉलिंग यूनिट में रहेंगे, बॉलिंग बॉलर्स में रहनी चाहिए। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है मोइन अली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल बिल्कुल सही पिक हैं, ये भी मेरे भी यही पिक्स हैं, हम दोनों ही ऑफ कैमरा से बात कर रहे थे कि ये प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, तो इनसे बेटर ऑलराउंडर्स नहीं है। एंड कमिंग टू विकेट कीपर्स, जॉर्ज बटलर एंड संजू सैमसन जैसे हमने बात करी, आई एम सरप्राइज आपने एमएस को यहाँ पे जगह नहीं दी। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, एक डिबेट ये है कि एमएस धोनी बहुत नीचे बैटिंग करने जाते हैं, तो एज ए कीपर वो मेरे को पॉइंट्स दे जाएंगे नो डाउट, क्योंकि कीपिंग पे तो किसी का सवाल नहीं है, बैटिंग पे भी उनके ऐसा बैटिंग स्किल्स पे डाउट नहीं है, पर उनकी बैटिंग पोजीशन ऐसी है कि मोर ऑफन देन नॉट उनकी बैटिंग आती नहीं है, आती भी है तो इतने बॉल्स नहीं होते कि आपको क्विक रन दे के उतने पॉइंट्स दे जाए। तो अगर मेरी आप एज ए मैच की प्लेइंग 11 बनाएंगे तो एमएस धोनी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे, अगर फैंटेसी की बनाएंगे या अगर हम पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जस्ट बिकॉज एमएस धोनी काफी नीचे आते हैं तो मैं उनको अपने टीम में नहीं रखना, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑब्वियसली हैव नथिंग टू डू विद हिज स्किल्स एज अ बैटर। और जहाँ तक कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात है तो बिल्कुल जॉर्ज बटलर और रविंद्र जडेजा मेरे और कैप्टन और वाइस कैप्टन रेस्पेक्टिवली रहने वाले। वेल कनव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ये वाला सेगमेंट करके मुझे बहुत मजा आता है, और ऐसे ही हम अपने व्यूअर्स को भी बोलेंगे कि आप यहीं से थोड़ा सा इनसाइट्स लेकर अपनी फैंटेसी लेवल बना सकते हो और बहुत सारे रुपए कमा सकते हो, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? सीएसके अंदर का फैन वन साइड मुझे लग रहा है कड़ाके का मुकाबला होगा, जीतेगी शायद सीएसके जीत जाए पर बहुत टाइट मुकाबला होगा, दोनों टीम्स बहुत अच्छी। वेल कनव, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, और थैंक यू सो मच। All you guys out there, keep following us on our social media handles, Instagram, Facebook and Twitter, और हमारे YouTube channel Cricket Next को जरूर subscribe कीजिए, क्योंकि cricket मतलब cricket next।